मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में खूब तूतू मैमे हुई और सोशल मीडिया पर वार पलटवार एक दूसरे पर किए गए। दिग्विजय सिंह भी इसमें कूदे, टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ से भी। उधर से कांग्रेस पार्टी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से भी तनातनी देखने को मिली थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में। अब कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार हुई है मध्य प्रदेश में, जबकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार इस बात को कह रहे थे कि दरअसल इस बार बीजेपी को जनता मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंकेगी। और छत्तीसगढ़ में तो दरअसल पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस पार्टी, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी कह रहे थे। जब काउंटिंग चल रही थी, कमलनाथ ने उस समय भी ये कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने आखिर सरकार कैसे बनाई, इसके पीछे के क्या कुछ कारण रहे, ये आकलन का विषय है। कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई, ये भी आकलन का विषय है। लेकिन क्या अखिलेश यादव की पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती तो कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ सकती थी, कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती थी? अब इस बात को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, और ये चर्चा कौन कर रहा है? दरअसल इस बात की चर्चा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही शुरू कर दी है। एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। एसटी हसन कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव से तूतू मैमे कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं करते, अखिलेश यादव को लेकर वो अभद्र व्यवहार नहीं करते, टिप्पणियां इस तरह की नहीं करते जो कि तल्ख थी सोशल मीडिया पर, जो उनके बारे में लिखा गया या जो उनके बारे में रिएक्शन सामने आए कांग्रेस के नेताओं के, वो सब ठीक नहीं थे। और अगर अखिलेश यादव और कमलनाथ मिल जाते या फिर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल जाती तो मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा और कमाल हो सकता था, ये अब समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। अब ऐसे में आपने कमलनाथ का बयान सुना होगा, अखिलेश कह के उन्होंने अखिलेश यादव को संबोधित किया था। दिग्विजय सिंह ने भी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर कई सारे रिएक्शन दिए थे। उधर टीएस सिंहदेव की तरफ से भी, जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रहे और अपनी सीट नहीं बचा पाए, आप सोचिए कि टीएस सिंहदेव खुद चुनाव हार गए, और उनसे जब मीडिया ने अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा था तो वो कह रहे थे कि कौन अखिलेश, जब उनको बताया गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब उन्होंने कहा वो तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यानी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर बीजेपी को हरा सकते थे, ये बड़ा सवाल जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी राय क्या है। नमस्कार।